अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यखनी पुलाव की रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है और चावल 2 ग्लास के लगभग लिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अदद मेंशन कर दूंगी। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है पुदीना, दही, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सौंफ और धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 5-6 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस रेसिपी में मैंने पुदीना सूखा हुआ इस्तेमाल किया है। पुलाव की रेसिपी में हमें चिकन हड्डी वाला इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से वॉश करके रख ली है। अब चलिए हम बनाते हैं मसाला। सबसे पहले हमें एक बड़ा कंटेनर लेना है। मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल शामिल किया है। तेल के गर्म होते ही हम सारे गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले जब चटकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक ही भूनना है। प्याज के हो जाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। कड़ी पत्ता के अच्छे से चटक जाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फ्राई होगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखा हुआ पुदीना। अगर आप चाहें तो फ्रेश मिंट लीव्स भी ले सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चियों को हमें बीच में से कट करके इसमें शामिल करना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ सौंफ और धनिया का पाउडर। फिर हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाला जलने से बचे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इस मसाले को भूनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। धीमी आंच पे हमें इस मसाले को भूनना है और फिर कुछ देर के लिए हम इसे ढक देंगे। मसाला भूनने और पकाने का पूरा प्रोसेस हमें धीमी आंच पे करना है। फिर हमें तवा गर्म करके उस पर कसूरी मेथी डालना है और उसे सेक लेना है। कसूरी मेथी को सेकने से उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, प्लस उसे क्रश करने में हमें आसानी होती है। इसे एकदम हल्का सा रोस्ट करना होता है। इसका कलर चेंज ना हो आपको इस बात के लिए मेक श्योर होना पड़ेगा। फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और अपने हाथों की मदद से इसे क्रश कर लेंगे। दूसरी तरफ हम मसाला चेक करेंगे जो कि हमने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमें चेक करना है कि अदरक लहसुन की कच्ची महक इसमें से ख़त्म हुई है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना है और मिक्स करके कुछ देर ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देना है। फिर 3 से 4 मिनट के बाद हमें इसे खोल के देखना है। एंड देयर वी गो, अदरक लहसुन की सारी कच्ची महक पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हमें इसे फिर से कुछ देर तक ढक कर पकाना है। गैस की फ्लेम को हमें सिम पे रखना है। 3 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। एक बार फिर हम मसाले को मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मीट आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, मैंने चिकन लिया है। सेम रेसिपी के साथ आप मटन लेके भी फॉलो कर सकते हैं। फिर हमें चिकन को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है।
धीरे धीरे चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा और एक अच्छी सी यखनी बनके तैयार हो जाएगी। हमें इसे ओपनली ही कुक करना है, ढकना नहीं है। कुछ ही देर में इसमें इस तरीके से बॉईल आना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट में हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे पुलाव की बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी चॉइस का कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जितने चावल लिए हैं उसकी डबल क्वांटिटी में हमें पानी शामिल करना है। जैसे अगर आपने एक ग्लास चावल लिया है तो आपको दो ग्लास पानी इसमें शामिल करना होगा। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे आपको नमक टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं। बस फिर गैस की फ्लेम को सिम पे करके हमें इसे ढक देना है और कुछ देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। 10 ही मिनट में कुछ इस तरीके से आपको पुलाव नज़र आने लगेगा। सारा पुलाव का पानी सूख चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूंगी ताकि इसमें फ्लेवर्स इन्हेंस हो जाए। इसके बाद मैं इसे दोबारा से ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और 5 ही मिनट में पुलाव बनके एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा। हल्के हाथ से हमें पुलाव को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि चावल बीच बीच में से ब्रेक ना हो। और लीजिए कुछ इस तरह से हमारा यखनी पुलाव बनकर एकदम तैयार हो जाता है। ये खाने में इतना लाजवाब होता है कि बिरयानी को भी पीछे छोड़ देता है। इसके बाद हम पुलाव को एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे गार्निश कर लेंगे। और लीजिए ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।